मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते इससे दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा मोदी जी, नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है बंबई एयरपोर्ट, अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल एंड बिजनेस, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार।
आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे, वो आज तक बंद पड़ी हुई है। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता इन आके पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए, आपकी एलआई सिर हिला रही है, वो भी सहमत है, कौर जी सहमत है, देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे, वो सहमत है। माननीय बोला था नो, माननीय सदस्य एक शब्द भी उधर नहीं। किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य, स्पीकर सर, किसान क्या मांग, सॉरी, मेरा ये आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा, दोगे पूरा सर, किसानों ने मांगा क्या? किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.